ईयर्स 18-19 ईयर्स हमने इस घर में निकाले हैं। अब हमारा एक रूम है तो सब लोग बहुत रोए थे, मतलब मैं तो बहुत ही रोई थी। पार्टी हम मग्गे से लाते हैं। वेलकम बैक टू माई वीडियो, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया है, आज होने वाला है मेरे इस वाले घर का, इस छोटे से घर का होम टूर। बहुत सारी वीडियोस में काफी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि प्लीज अपना घर दिखाओ, तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो जब इतना सब बोल ही रहे हैं तो दिखा देते हैं इस वाले घर में। ये मेरा एकदम मेन वाला घर है, और मेन वाला मतलब जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ और जहाँ पे से मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग करी है, जहाँ पे मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, ये मेरा वही वाला घर है। 18 इयर्स गाइज, इस जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, 18-19 इयर्स हमने इस घर में निकाले हैं। आप लोग देखो और आगे आगे आपको पता चलेगा कि कैसे हमने 18-19 इयर्स इस घर में निकाले हैं। बहुत सारी मेमोरीज हैं और इस घर को बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं करता, बिकॉज यार जिधर से हम लोग पैदा होते हैं ना, वो चीज़ छोड़ने का मन ही नहीं करता है, मतलब वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। थोड़े टाइम पहले ही मैं बाहर शिफ्ट हुई हूँ, जैसे नोएडा शिफ्ट हुई थी, तो मेरे को 2-3 साल हुए हैं इस घर को छोड़े हुए। हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, आप सबको जैसे पता है। तो पहले मैं नोएडा शिफ्ट हुई, फिर मैं वापस वहाँ से दिल्ली आ गई, क्योंकि ये घर ना, अभी आप देखो फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्यों यहाँ से बाहर शिफ्ट हुई और क्या क्या रीजंस थे। मैं आगे आगे आपको सब चीज बताते जाऊंगी बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये मैं आपको अपना सुंदर सा प्यारा सा घर दिखाती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक से। ये गाइस जो साउंड आ रहा है, ये एसी का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो निकल रहा है, मतलब जो पानी है वो सिंक में जाता है, तो उसकी आवाज आ रही है। चलो अभी थोड़ा सा अगर इधर उधर की आवाज़ें आएगी तो उसको एडजस्ट करना, बिकॉज यहाँ पे आस पड़ोस में सारे पड़ोसी चिपक के रहते हैं, तो आपको ज़्यादा आवाज़ें सुनने को मिलेगी। और ऊपर नीचे भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, मतलब एक सीढ़ी पैसे मैं रखूँगी तो नीचे पहुँच जाऊँगी, ऐसा वाला सीन है। कितना बोल रही हूँ, स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हूँ मैं। सो गाइज, ये है हमारा दरवाजा। दरवाजा यहाँ पर ना एक ही फ्लोर है, मतलब बस यही है जो आपको दिख रहे ना, ऐसे सीधा ही यही है बस। तो ये हमारा एक रूम है, अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, बट इस एक रूम में बहुत सारी चीजें हैं, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। रहेंगे तो हम कर्टन्स बंद कर लेंगे, बिकॉज ऐसे चल रहा है। सो पहले आते हैं, ये हमारा दरवाजा। दरवाजा देखिए, हमारी डोर है, और गाइस हम इधर से ऐसे एंटर करेंगे तो इधर आ जाएंगे। ये है हमारी कबर्ड, ये कबर्ड अभी बनी है, पहले जो होती थी ना लोहे वाली होती है ना, लोहे वाली कबर्ड होती थी, और वो इससे भी छोटी थी, तो उसमें पहले एडजस्ट करते थे। बट ये अभी गाइस हमने थोड़े टाइम पहले काफ़ी सारा काम कराया था इस छोटे से घर में, तब जाके हमने इसको इतना सुंदर बनाया। पहले तो ये बिल्कुल भी दिखाने लायक नहीं था, क्योंकि इतना अच्छा नहीं था, बट अभी बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद ना इसको इसमें तो ये बन पाया इतना सुंदर। आई थिंक मैं 9th या 10th क्लास में थी, तब ये काम सब कराया था मम्मी पापा। टाइल्स वाइल्स का। ये कबर्ड है जिसमें मम्मी पापा मेरे साक्षी के जिया के मेरे कपड़े दिए इसमें, पहले तो इसी में हाँ, थे ना? पहले सारे से तो पहले हम 5 लोगों के जो कपड़े थे वो इसी कबर्ड में रहते थे, तो काफी एडजस्ट करा। सोचो एक ही कबर्ड में, सिर्फ एक ही कबर्ड में गाइस 5ों के कपड़े रहते थे इसमें, बिकॉज इस रूम में इतनी जगह नहीं है कि हम अलग से कबर्ड लेकर आया और उसमें अपने जो है कपड़े वगैरह रखे। और जो ये ऊपर है, ये इसको हम बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलेंगे टांड। हाँ, इसको बोलते हैं टांड, अगर आपको पता होगा, बाकी मुझे इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। स्टोरेज ही है बेसिकली ये भी कबर्ड के साथ ही, जो हमारे ज्यादा शादी वादी वाले कपड़े हैं, मतलब बहुत हैवी ड्रेसेस है ना, वो सारी ऊपर रखी हुई है, बिकॉज कबर्ड में तो डेली वेयर और ऐसे ही कपड़े रखे हुए हैं। और इधर ये छोटा सा स्पेस है अलमीरा के पास, थोड़ा सा स्पेस है, बस इतना स्पेस है। यहाँ पे आएंगे तो ये आपको वॉल दिखेगी, सुंदर सी वॉल गाइस, लाइट की वो पड़ी है तो सो इग्नोर दैट। हाँ, अक्षी का फ्रेम, ये जिया की फोटो, और ये पापा और मेरी फोटो वहाँ पे वॉश लगी है, बाकी ये सारे गाइस टाइटल लगे हुए हैं। गाइस जो अभी व्हाइट वॉश हुआ था थोड़े दिन पहले, वो मैंने आपको जैसे बता दिया था उसी ब्लॉग में कि वो मैंने बनाया इसलिए, बिकॉज मुझे होम टूर करना था, बिकॉज यहाँ का जो कलर है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, तो मैंने व्हाइट ही वॉश करा लिया। और गाइस इधर से एक ही पैर, आधे पैर का खत्म करके घूमेंगे, देखो हमारा बेड आ जाएगा। ये है सिंगल बेड जिसपे साक्षी और मैं सोते हैं, बट अभी मैंने अपनी जगह चेंज कर दी है, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे आगे। तो यहाँ पे साक्षी और मैं सोते हैं जब भी हम यहाँ पे आते हैं, जितने भी पिछले साल हम लोग यहाँ पे रहे हैं, तो साक्षी और मेरी ये ही जगह रही है,
मेरी ये वाली साइड रहती है और सक्षी की ये वाली साइड रहती है, तो हम दोनों मैंने यहाँ पे सोते हैं। ये है यहाँ पे और ये हूँ गाइज मैं माता रानी जी। और गाइज ये न्यू बेडशीट वगैरह ना अभी बिछाई है, ऐसे नहीं बिछती। साक्षी को पता नहीं कोई दो तीन बेडशीट है वही पसंद आती है, घूम फिर क्यों नहीं बिछाती रहती है। मैं लेकर आती हूँ फिर भी वो नहीं बिछाती। तो गाइज ऐसे बेड से नीचे आते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल रखा है और यहाँ पे जिया का लैपटॉप। और अभी जैसे थोड़े दिन से हम यहाँ पे आए हुए हैं तो जिया थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई इसलिए करती है। फिर आते हैं गाइज इधर ये वाले स्पेस पे। गाइज जब मैं यहाँ पे जब मेरा थोड़ा सा ऐसा हो गया था ना, जब मैंने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किया था तो मेरे पास ना बहुत सारे कपड़े, मतलब ऐसे होता था कि कोलैब्स वगैरह में आते थे और मेरे खुद के कपड़े थे। जब मेरे कपड़ों की कलेक्शन धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई थी, बहुत सारी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हो गए थे एकदम से। तो मेरे को ना वो जैसे मैंने बताया पांच लोग एक ही कवर्ड में पांच लोग एडजस्ट करते थे कपड़े, तो मेरे कपड़े ऐसे थे कि इधर उधर पड़े रहते थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि बड़ी कवर्ड तो हम ला नहीं सकते तो हम छोटी कवर्ड लेकर आते हैं। तो गाइस फिर मैं ये छोटी कवर्ड लेकर आई थी अपने लिए और इसमें मैंने कपड़े रखे, थोड़े टाइम रखे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से शिफ्ट ही हो गए थे नोएडा, तो फिर ये यहीं पे छूट गई थी। उसके बाद क्या रहा कि इसमें ना जिया के कपड़े शिफ्ट हो गए, हम शिफ्ट हो रखे हैं वहाँ पे ही। ऐसा कुछ कपड़े यहाँ पे थोड़े और कुछ चीजें हैं, मतलब नॉर्मल कपड़े छोड़े हुए हैं। तो उस कबड़ में मम्मी पापा मेरे चारों के कपड़े अभी भी है, बट जिया की जो कबड़ है वो ये है पर्सनल हमारी खटिया है। तो गाइज ये है हमारा छोटा सा सुंदर सा मंदिर। ये गाइज डबल टेप लगी हुई है बिकॉज अभी हमने इसमें लड़ी जो लगाई थी ना वो निकल गई, अपने आप ही निकल गई, ये सब वही लगी हुई है। तो ये ना छूट नहीं रही थी। बाकी अभी मंदिर ये छोटा सा मंदिर है और गाइस इस मंदिर से इतना ज्यादा प्यार है ना, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी एक फैमिली हमारी बैठी हुई है। तो यस ये हमारा छोटा सा मंदिर है। एक मिनट गाइस मेरी वॉच खुल गई है। कालका माँ की मूर्ति बहुत ज्यादा साक्षी को, मतलब ये है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। हम ऐसे जैसे साफ सफाई भी होती है ना मंदिर की, साक्षी बोलती है कि नहीं ये आराम से करियो इसको कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने बोला हमें पता है कैसे करना है। यहीं से ना एक स्लिप ये है जिसपे हमारा टीवी है। तो गाइस ये बहुत पुराना टीवी है, मतलब ये इसको बहुत टाइम हो गया और टच वुड ये खराब नहीं हुआ अभी तक। और ये है ऊपर मेरा फ्रेम जो कि मेरी मासी की बेटी ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, 16th 17th बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और ऊपर कुछ टैडीज वगैरह रखे हुए हैं, हमारे स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं और ये भी टाइटल है हमारा होम थिएटर। और आ जाते हैं एक मिनट गाइस, अब खटिया को उधर करना पड़ेगा ना क्योंकि छोटा सा घर है। गाइस ये है हमारी चारपाई जिसपे अब मैं सोती हूँ बिकॉज मेरे को ना अब ऐसे हो गया है कि वहाँ पे हम लोग डबल बेड पे सोते हैं साक्षी में, तो मेरे को ना ये बहुत छोटा लगने लग गया है। जब ही रहते थे तब नहीं लगता था गाइस, और जब सोते थे तब तो इतना अच्छा लगता था कि सिर्फ साक्षी में ही सो रहे हैं कि हमारे पास काफी स्पेस है। बट यहाँ पे आते हैं ना तो मैं और साक्षी बेड पे सोते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कितना ज्यादा छोटा, मतलब ऐसे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले सोऊंगी इस पर। यहाँ पे सोते हैं साक्षी और जिया और यहाँ पे सोती हूँ मैं। अब आते हैं गाइस ये स्पेस में, पापा सोते हैं गाइस इस स्पेस में, हमारा बाहर जाने का रास्ता है। तो मम्मी सोती है गाइस इधर ये स्पेस में, कुछ ऐसे सोते हैं एडजस्ट करके। चारपाई के साथ ही वॉल है अनुसूत की जो नियॉन लाइट है वो, और ऊपर है गाइस हमारा एसी और ये था। और इधर आ जाते हैं गाइस, यहाँ पे गाइस है हमारा मिरर जिससे मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था, जिससे मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी एकदम से ही गाइस। जब मैं अपनी रिंग लाइट लगाती थी तो बाहर वाला बंदा बाहर, अंदर वाला बंदा अंदर, तो मुझे सब लोग यहीं पे बैठ के देखते थे बिकॉज कहाँ ही जाएंगे। अब मैं वीडियोज भी यहीं बना रही हूँ तो सब लोग यहीं पे रहेंगे। और ये जो स्पेस है इसमें थोड़ा सा मम्मी का मेकअप वगैरह का सामान रखा है बिकॉज हमारा सामान तो अब जब भी हम आते हैं हम अपना कैरी करके लेकर आते हैं अपने बैग में ही, तो वो बैग में और बैग रखे हुए कवर्ड में। तो इसमें सिर्फ मम्मी का ही मेकअप का सामान है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। इधर से गाइस वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करा था स्टार्टिंग के 3-4 साल, और जब ही लगा था कि थोड़ा सा अच्छा ऐसा सीन हो गया है और भी चीजें ग्रो अप करने के लिए चाहिए और थोड़ा सा निकलना पड़ेगा बाहर, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक रूम में नहीं एडजस्ट हो रहा तो निकलना चाहिए बाहर। तो गाइस फिर मैं जैसे कि नोएडा शिफ्ट हो गई थी बहुत हिम्मत करके, यहाँ से कभी सोचा नहीं था कि इधर से निकलना भी होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो इस छोटे से घर में देखी है।
इमोशंस जुड़े हुए हैं इस घर से, तो ऐसे मन नहीं करता छोड़ने का। और जब भी हम वहां से यहाँ पे आते हैं ना, वो वाले घर से इस वाले घर पे आते हैं, तो फिर थोड़ा सा ना इमोशनल वाली फीलिंग हो जाती है कि यार अब यहाँ पे हम इतने दिन से रुके हुए हैं ना, अगर हम वहाँ पे जाएंगे ना तो सबके ना मुंह जो है ना वो छोटे छोटे से हो जाएंगे कि यार यहाँ पे इतना मन लगता है। ये घर बेशक से छोटा है बट यहाँ पे बहुत ऐसे अच्छा लगता है, मन लगता है, मेमोरीज, तो थोड़ा सा इमोशनल वाली फीलिंग भी हो जाती है कि यार क्यों ही गए। बट गाइस काम ऐसा है तो एक रूम में नहीं एडजस्ट होता, जैसे ही आप लोग को पता है वहाँ पे मेरा अलग से रूम है, वहाँ पे मैं अलग से सब कुछ काम वाम है, एडिटिंग वगैरह करती हूँ, निकलना ही पड़ा कि चलो निकल जाते हैं, लाइफ आगे बढ़ते हैं गाइस। बहुत हिम्मत करके यहाँ से निकले, और जब हम यहाँ से निकले थे तो सब लोग बहुत रोए थे, मतलब मैं तो बहुत ही रोई थी। आते हैं बाहर, और बाहर बहुत ज्यादा आवाज आएगी तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस बाहर ऐसे निकलते ही रूम से इधर है हमारा फ्रिज, डबल डोर का फ्रिज गाइस, और इसके ऊपर भी हमने काफी स्टोरेज बनवाया हुआ है, मतलब इसमें हमारा सब किचन का सामान है इस वाली नीचे वाली पूरी कबर्ड में, और ऊपर वाले रैक्स में दिखा, ऊपर वाले रैक्स में जो है हमारे फुटवेयर्स हैं, मेरे मम्मी पापा साक्षी हम सब के बहुत सारे फुटवेयर्स हैं, तो ऊपर की वो इसीलिए बनाई है। बाकी इधर आते हैं तो गाइस ये है हमारा किचन, छोटा सा किचन है। ये है हमारा बर्तन वाला रैक जिसमें रखे हुए हैं सारे बर्तन, और बस किचन में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है। नीचे गाइस स्टोरेज बना हुआ है, इधर सिलेंडर वगैरह जो भी है, आटा दाल चीनी वीनी जो भी डब्बों में कहते हैं वो सब रखा हुआ है नीचे। तो ये जो सारा वुडन वाला काम हुआ है ना, ये गाइस थोड़े टाइम पहले ही कराया था, बिकॉज ये बिना वुडन के ना ऐसे खाली खाली अजीब सा लगता था, तो फिर हम उसको करा लेते हैं। तो यस अब आ जाते हैं इधर, तो यहाँ पे लगा हुआ है हमारा फिल्टर, इधर से पानी वानी का सीन है, और ये है हमारा छोटा सा वॉश बेसिन, बड़ा लगाने का तो बड़ा मन था बट स्पेस है ही नहीं, तो इसलिए जस्ट हाथ धोने के लिए लगवा लिया कि हाथ तो धुल ही जाए कम से कम, तो इसलिए ये हाथ धोने का स्पेस। ये नीचे है गाइज जो भी डेली वेयर्स के फुटवेयर्स होते हैं ना, तो वो ऐसे रखे हुए हैं, छोटा सा मिरर है, कर्टन्स लगे हुए हैं, इसके आगे जो है वो बालकनी है, और यहाँ से हमारी पड़ोसी तक आवाज जाएगी, हेलो गाइस। यहाँ पे बहुत ज्यादा पास पास घर है, तो यहाँ से लेन देन भी हो जाता है हमारा, जैसे हम कुछ बनाते हैं तो सामने पहुँचा देते हैं, और वो कुछ बनाते हैं तो हमारे पास पहुँचा देते हैं, दिखा हो नहीं सकती। हम यहीं से बातचीत करते रहते हैं, फुल पावर खड़े रहते हैं यहाँ पे दो दो तीन तीन घंटे। अभी जस्ट ये होम टूर के लिए करिए, इतने ज्यादा नहीं, तो यहाँ भी खुला रहता है पूरा पूरा टाइम, बस इधर ज्यादा कुछ नहीं है, ये रेलिंग हाँ तो बस। और इधर है हमारा वॉशरूम, वॉशरूम में कुछ ज्यादा दिखाने के लिए नहीं है, वॉशरूम जैसा होता है वैसा है, वैसा जैसा होता है, बट ये बहुत छोटा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वॉशरूम के अंदर कोई अलग से फैसिलिटीज नहीं है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, सिर्फ इतना वॉशरूम है। हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट एक मग बाल्टी रखी हुई है, ना कोई शावर है ना कुछ, यहाँ पे आते हैं नॉर्मल सादे इंसानों की तरह बाल्टी मग्गे से लाते हैं। बाकी इधर से आते हैं, ये है स्टेयर्स और ऊपर का अलग से फ्लोर है, और यहाँ पे हमारी सीढ़ियों पे डस्टबिन रखी हुई है गाइस, एक वो स्टोरेज है ऊपर जहाँ पर जिसको बोलते क्या बोलते क्या बोलते बुखारी तो वहाँ पे भी एक स्टोरेज है जिसमें काफी सारा सामान रखा हुआ है, ये साउंड चलता रहेगा कंटिन्यू, अरे ज्यादा हमारे क्योंकि गाइस कहाँ ही रखे, पहले पड़ा रहता था सामान, रखा हुआ है यहाँ से जाके। तो यहाँ पे है ये मम्मी की मशीन, कपड़े सिलाई वाली मशीन, ये मम्मी यूज नहीं करती, जस्ट ये रखी हुई है। ये है गाइस कबर्ड जिसमें हमारा सारा जो बर्तन वगैरह का सामान है ना, बहुत सारे रखा हुआ है सामान। इधर से आते हैं तो ये नीचे जाने के लिए स्टेयर है, हम नीचे जा सकते हैं यहाँ से। बस गाइस ये छोटा सा घर था, अब एक छोटे से घर का सिनेमैटिक शॉट्स और देख लो कि आपने मेरा छोटा सा घर देख लिया, और मैं ये ऐसे दिखाना नहीं चाहती थी बिकॉज ऐसे, बट कोई बात नहीं, दिखा दिया, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वो भी चीज़ जरूर दिखानी चाहिए, बोलते हैं कि आगे बढ़ के कभी भी वो चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए कि जहाँ से हम शुरुआत की है। मैं हमेशा बोलती थी कि बहुत छोटा सा घर है, छोटा सा घर है, तो गाइज यही छोटा सा घर है, एक रूम ये है और एक रूम बाहर है जिसमें किचन और बाथरूम है, और एक रूम ये है जो सोने के लिए,
बाकी बहुत सारी चीजें एडजस्ट की है। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ एडजस्ट के पीछे, मतलब ये इधर मम्मी सोती है और उधर पापा सोते हैं, तो ये ऐसे सोने का स्पेस है। और गाइस जब भी रात को हम लोग वॉशरूम जाते हैं ना, तो मम्मी पापा सोते रहते हैं और हम लोग ना उनके ऊपर से होके हाँ ऊपर से हो कर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसे लगता है। कोई बात नहीं, बहुत 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 मतलब बहुत जितनी भी मेहनत हो सकेगी ना मैंने मुझसे उतनी मेहनत करूंगी और बहुत बड़ा घर लूंगी गाइस, बहुत ज्यादा बड़ा है ना, क्योंकि मेहनत करेंगे और जो भी मेरे ड्रीम्स है। पहले तो मेरा यही ड्रीम है कि मेरा बहुत बड़ा घर होगा गाइस। होप करती हूँ वीडियो में आपको मजा आएगा। और गाइस जो सरप्राइज वाली वीडियो है वो कल आने वाली है और आपको वो देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा एडजस्ट किया है गाइस इस एक रूम में, बाकी कल आपको पता चल जाएगा। इसके साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, होप करती हूं वीडियो में आपको मजा आएगा। अगर वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस बताना कमेंट में मेरा छोटा सा घर कैसा लगा। कल मिलते हैं एक सरप्राइज वाले ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, पीस।